नमस्कार किसान साथियों, आज बात करेंगे अपन उन जिद्दी खरपतवारों के बारे में जो मिटाए से नहीं मिटते हैं। दोस्तों, हवा चल रही है, आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, उन खरपतवारों में गाजर घास, कानी, बोखना और साथ ही साथ मैं बताऊं आपको जो झरमरी का पौधा होता है। दोस्तों, ये रहा झरमरी का पौधा, इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से होती है और इसके भी जानवर खाते हैं और जो पोटी करते हैं ना, उनमें ये बीज चले जाते हैं और फिर ये पौधा पनप जाता है। दोस्तों, ये खेत की मेड़ है जिस पे पास में खड़ा हूँ। किसान साथियों, कानी, बोखना, झरमरी के साथ साथ ही दुधी, ये नजर नाम भी याद नहीं मुझे, इतने सारे तरह के खरपतवार है। झरमरी का पौधा भी है, उधर वो कोई बेल वाला पौधा है, साथ ही साथ में घास, हरा चारा, करिजड़ा, मोतिंगा और जितने भी प्रकार के जिद्दी जो खरपतवार हैं उनका सफाया किससे करें। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर, खेती जुड़ी ग्राउंड लेवल की जानकारियां। ये खरपतवार जब पनपते हैं ना, इतने तेजी से पनपते हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये गाय भैंसों के लिए जवार बो रखी है और साथ ही साथ इसमें अमरुद लगा रखे हैं, तो जो क्यारियां बो रखी जवार की उनके बीच में अमरुद के पौधे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा खरपतवार है, तो इनका सफाई अपन कैसे करें। इसके लिए अपने को कोई तगड़ा पावरफुल खरपतवार नाशक का उपयोग करना पड़ेगा जिससे एक ही स्प्रे में ये सारी चीजें खत्म हो जाए। तो दोस्तों, यदि इन खरपतवार को समय से ख़त्म नहीं करें तो अपनी फसल को चलने नहीं देंगे, या मेर पे कहाँ भी है तो वहाँ पे भी मतलब अपन फिर नहीं सकते, घूम नहीं सकते, इतने खरपतवार ज़्यादा हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गाजर घास इतनी तेज़ी से फैलती है कि हर चार महीने में एक नया पौधा, इसका जो लाइफ सर्कल है वो चल जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है, पौधा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फूल आ जाते हैं, तो तीन चार महीने में उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, फिर फूल है ना वो फल में कन्वर्ट होके हवा के साथ उड़ते हैं। और आज के समय में इतनी ज़्यादा गाजर घास हो गई है कि कंट्रोल करना पाना मुश्किल हो रहा है। यदि अपन सोचे हाथ से लें तो दोस्तों पूरी सीजन निकल जाएगी, उसकी लाइफ सर्कल ख़त्म हो जाएगी, तब तक अपन हाथ से नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए अपने पास में एक ही उपाय है कि अपन रासायनिक खरपतवार नाशक का उपयोग करें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे तगड़ा और सबसे असरकारक एक ही खरपतवार है, खरपतवार नाशी है, जो है मीरागोतर, जिसमें और अमोनियम साल्ट का कॉम्बिनेशन आता है। इसको दोस्तों बारिश का ध्यान रखते हुए स्प्रे करें ताकि तीन चार घंटे अपने को मिल जाए तो जो खरपतवार है ना वो बिल्कुल जड़मूल से ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने एक जगह स्प्रे भी किया है इसका पहले, उसके रिजल्ट आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, यहाँ देख रहे हो आप जो सूखी हुई घास दिख रही है, इस तरह से कोई सा भी खरपतवार हो सारा जल कर सूख कर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कानी भी थी, बोखना भी था, गाजर घास भी थी और डूब जो होती ना डूब घास भी थी, तो सारी की सारी एक स्प्रे में बिल्कुल नष्ट हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरह से हम मीरागोतर जो अलग अलग कई नामों से बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें ग्लाइसोफेट और अमोनियम साल्ट का कॉम्बिनेशन आता है, अपने को वो स्प्रे करके एक ही बार में सारे खरपतवार का सफाया करना है। तो दोस्तों, किसान साथियों, ग्लाइसोफेट और अमोनियम साल्ट का जो कॉम्बिनेशन आता है, जो मीरागोतर का नाम पुराना नाम था, अब हर कंपनी अलग अलग नाम से ये टेक्निकल निकाल रही है, तो इसको लेकर अपन स्प्रे कर सकते हैं और जो भी खरपतवार हैं जिद्दी वाले हैं उनको समूल नष्ट अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि टेक्निकल और खेती से जुड़ी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।